राधे राधे। नमस्कार सभी को। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, दीपावली की सफाई हो रही है। हम जब कपड़े संभाल के रखते हैं बुलंस, तो कई कपड़े हमारे फट जाते हैं किसी न किसी कारण से। कोई चूहा काट जाए, किसी का धागा खिंच जाता है, तो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा इतना बड़ा कट गया है, मैं आपको इसे रिपेयर करके बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हमको ये आमने सामने का, जहाँ से हमारी लूप्स कटी हैं, इधर से और इधर से बराबर से बिल्कुल साफ कर लेना है, और इनको सामने ले आना है। इस तरह से हम सामने ले लेंगे, एक लूप के सामने एक लूप रहेगी। फिर सुई में धागा लेके, मैं अलग कलर का धागा इसलिए दिया है कि जिससे हम समझ सकें हमने क्या किया है, वरना एक सेम कलर का धागा लगाते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि हमने कहाँ से सिलाई की है। इसके लिए सबसे पहले हमें धागा यहाँ तक लाके, जो नीचे वाले फंदे हैं लूप्स हैं, इसमें पहले वाले में इधर से देते हैं लूप्स में धागा, सुई लगाते हैं, दूसरे वाले से पीछे से आगे की तरफ लेके आते हैं। फिर ऊपर वाले में इस तरह से ऊपर से देते हुए, और सेकंड वाले में नीचे नीचे जो लूप से आ रहा है इधर से देते हैं। इधर से अब धागा लगा के फिर वापस थोड़ा सा खींच लेते हैं इसको। फिर हमने जो नीचे से सेकंड वाली लूप्स ली थी, उसमें हम ऊपर से सुई डालेंगे, और नेक्स्ट वाले में नीचे से लेके आएंगे। इस तरह से लेके आएंगे, फिर इसको हल्का हल्का खींचते हुए, इस तरह से ये चेन बन जाती है। सेम कलर हो तो हम समझ ही नहीं पाते हमने कहाँ से सिलाई की है। फिर जहाँ से ऊपर से छोड़ा था, ऊपर से सुई देंगे हम, और दूसरे वाले में नीचे होके लेंगे, दूसरा वाला जो लूप है उसमें ये हमारा धागा इस तरह से लेके आना है। फिर नीचे की तरफ आते हुए, जिससे धागा हमने ऊपर से निकाला था, उसमें अंदर की तरफ सुई डालते हुए सेकंड धागे में अंदर से बाहर की तरफ निकालेंगे। जिस तरह से हम सोल्जर की सिलाई करते हैं या कोई बॉर्डर जोड़ना होता है उसमें करते हैं, तो सेम यही प्रोसेस उसमें चलता है। डबल बॉर्डर बनाते हैं। इस तरह से ये चेन बनती हुई आएगी। ऊपर वाले धागे से, ऊपर वाले लूप से, ऊपर से निकालते हुए सेकंड में नीचे से निकालेंगे। फिर नीचे वाले लूप से अंदर डालते हुए ऊपर निकालेंगे। ये मैंने इसमें से निकाला है, और इसको मैं आपको पूरा सिल के बताती हूँ।
इस तरह से हमने ये इतना बड़ा कट था पूरा सिल लिया है। ये धागा डिफरेंट लेने की वजह से इतना दिखता है, वरना सेम धागा लें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमारा कहाँ से सिला है ये। बिल्कुल चेन पर चेन आ गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक पीस बताती हूँ जो मैंने सेम धागा लिया है उसमें, वो भी सिल के बताती हूँ। यह मेरे पास कटा हुआ पीस है जो कि धागा निकलने की वजह से कट गया था। मैं आपको इसे सेम कलर से सिल के बताऊँगी रिपेयर करके, जिसमें आपको पता भी नहीं चले हमें कि हमने ये कहाँ से रिपेयर किया है। प्रोसेस वही है जो सेम उसमें था, बस इसमें हमको कलर सेम लिया है। पहले हम ऊपर से धागा लेंगे, फिर इसके पास वाली जो चेन है उसमें अंदर लेते हुए दूसरे वाले इस लूप से ऊपर लेके आएंगे धागे को, अपनी भूल को। फिर ऊपर से ऊपर वाले में वही पहले वाले में ऊपर से सुई डालेंगे और सेकंड वाले में हम नीचे से सुई डालेंगे, फिर हल्के से इसको खींच देंगे। फिर ये फर्स्ट वाले में ऊपर से सुई डालनी है, सेकंड वाले में नीचे से लेनी है, फिर ऊपर वाला जो फर्स्ट है उसमें ऊपर से और सेकंड वाला है इससे नीचे से लेनी है। इसमें हमारी ये चेन बनती जाएगी। अरे साथ के साथ चेन बनती जा रही है। इसको हम इस तरह से ऊपर से लेंगे, ये इस तरह से जो चेन बनती जा रही है वो बन जाएगी। एक धागा ऊपर से और एक नीचे से, फिर वो जो पहला छोड़ा था उसमें हम ऊपर से डालेंगे सुई और इसके अगले से नीचे होके निकाल के धागा लेंगे, फिर वही क्रम ऊपर वाले धागे से ऊपर से है और उसके पास वाले से नीचे से लेंगे। इस तरह हमारी ये चेन बनती हुई आएंगी।
इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो गया है और पता भी नहीं चलता है कि हमने यहाँ कहीं से रिपेयर भी किया है। एक हमने ये रिपेयर किया है, इसमें हमारी चेन बराबर से आई हुई है लेकिन कलर का डिफरेंस है। एक हमने ये किया है, इसमें चेन बराबर है, कलर सेम है, तो आइडिया नहीं होता है कि हमने यहाँ कहीं से रिपेयर भी किया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।